दोस्तों क्यूरोसिटी रोवर को मार्स के गेल क्रेटर पर 2012 में लैंड कराया गया था। तब से लेके अब तक रोवर ने 6 बार एक रहस्यमय डकार लेने की आवाज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये डकार कहां से आ रही है वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। क्यूरोसिटी रोवर में ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव है कि अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में एक चुटकी नमक भी डाल दिया जाए तो ये उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। इसी इंस्ट्रूमेंट ने डकार की आवाज को सुनकर रिकॉर्ड किया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार ये मीथेन गैस के बबल्स के फूटने की आवाज भी हो सकती है। क्यूरोसिटी रोवर ने ये आवाज 1 किलोमीटर दूर से सुनी है। वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि कहीं मार्स की सतह के नीचे कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां किसी रूप में लाइफ एग्जिस्ट करती हो और वहीं से ये मीथेन रिलीज हो रही हो। अर्थ पर भी इंसान और जीव जंतु मीथेन छोड़ते हैं। मीथेन का एग्जिस्टेंस करीब 300 साल तक रहता है और ये सनलाइट के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मतलब मार्स पर कुछ तो ऐसा है जो आज भी मीथेन छोड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, कौन ले रहा होगा मार्स पर?